नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पहले की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि जो हमारा RRB NTPC का जो ये जो पार्ट हमने शुरू किया है, जिसमें डेली हम लोग प्रैक्टिस सेट कराते हैं, बेसिकली यहाँ पर अभी जनरल स्टडी की तैयारी हो रही है, पर जल्दी ही आपको रीजनिंग के वीडियोज और साथ ही साथ मैथ्स के वीडियोज भी अवेलेबल होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर यहाँ पर 1 लगाने जा रहे हैं हम लोग। लेकिन कल जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो प्रीवियस ईयर पेपर था, बीच में फिर प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सो प्रैक्टिस सेट 1 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनरल स्टडी की बात करें तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फटाफट से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ जो है इसका आंसर जो है वो देखते चलेंगे, इसकी जो व्याख्या है वो भी देखते चलेंगे। सो दोस्तों, फटाफट से सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको जो है आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। जब तक NTPC का एग्जाम होगा, हमारा टारगेट है कि 45 सेट से ज़्यादा जो है वो मैं आपको करा करके आपकी तैयारी करा करके दूँ, जिससे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर हो। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है, ये सेट जो है, वन बाई वन आप सेव करते चलिए। मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा और आराम से आप इसको जो है देख सकते हैं RRB NTPC के प्लेलिस्ट के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शिवालिक की पहाड़ियाँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है आपको, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है कौन सा राज्य जो है, किस राज्य में जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शिवालिक जो है हिमालयन माउंटेन रेंज की जो है कह सकते हैं कि सीरीज है, और हिमालयन रेंज जो है वो 3 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट इस तरीके से 3 भागों में हिमालयन रेंज जो है वो बटे हुए हैं। सबसे ऊपर जो है ये बृहत हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, बीच में जो है वो लेसर हिमालय है, लघु हिमालय, और थर्ड जो सबसे निचली श्रृंखलाएं हैं इनको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। तो शिवालिक पाई जाती है बेटा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है शिवालिक कहाँ मिलेंगे हम लोगों को, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगी, और लगभग इसकी एवरेज हाइट जो है वो करीब 1000 मीटर है, 1000 मीटर एवरेज हाइट इसकी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतराग्राहिक अभियान था? तो पहला अंतराग्राहिक अभियान के बारे में, भारत के पहले अंतराग्राहिक अभियान के बारे में बात करी जा रही है, इंटरप्लेनेटरी कह सकते हैं कि जो अभियान था उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए जा रहे हैं चंद्रयान, मंगलयान, आर्यभट्ट मिशन या फिले मिशन। दोस्तों, इसके बारे में बताना चाहूंगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मंगलयान मिशन। भारत का पहला जो ये अंतर्ग्राहिक अभियान था वो मंगलयान मिशन था। ये इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत का ये जो पहला मंगल अभियान था, इस यान को 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर दोस्तों डेट याद रखेंगे, 5 नवंबर 2013 को मंगलयान जो था वो इसरो द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, जिसके बाद हम लोग शॉर्ट में इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और यह यान 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित हो गया था। तो 5 नवंबर को भी यह यहाँ से भेजा गया था और 24 सितंबर 2014 को ये मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। और यही नहीं, इसके अलावा एक बड़ी बात इसमें भी ये है कि मंगलयान की सफलता जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र एशिया का देश था उस समय जिसने सबसे पहले मंगल पर पहुंचने के लिए मतलब मंगल पर पहुंचा था। इस तरीके से मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि भारत जो है अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला एशिया का पहला देश था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ से पता चल गई। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? ऑप्शन है वायु के कारण, बादलों के कारण, गुरुत्वीय शक्ति कारण या पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है गुरुत्वीय शक्ति कारण, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या करती है, पृथ्वी का अपने जितने भी गैसेज हैं उनको अपने क्रस्ट के पास वो खींचती है, और इसमें भी जो निचला कह सकते हैं कि वायुमंडल है वो ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा सघन है, और जो बाहर का वायुमंडल है वो थोड़ा कम डेंस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है। प्रेरक कौशल का मतलब यहाँ पर हो गया मोटर स्किल से,
देखिए हम लोग की जो बॉडी है वो जब बिहेव करती है, जब कोई रिएक्शन करती है, तो पूछा जा रहा है कि ये मतलब कहाँ से प्रेरित होता है, किस भाग से प्रेरित होता है मस्तिष्क के। ये ललाट का भाग है सर में, ललाट यानी कि जो माथा होता है, फॉरहेड का जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से स्किल होता है। और आप किसी प्रकार के मतलब कोई भी है जो स्वैच्छिक मतलब जो गतिविधियां हैं जो आप कर रहे होते हैं या ऐच्छिक गतिविधियां जो कर रहे होते हैं उसको नियंत्रित करने का ये काम करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है? यानी प्रोटोजोआ के अलावा प्राणी जगत के जितने भी सदस्य हैं उनमें कौन सा एंजाइम है जो कॉमन होता है, यानी प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है बाकी सब में पाया जाता है। पहले बता दूं मैं कि प्रोटोजोआ वर्ग के प्राणी वे प्राणी होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय प्राणी प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है या पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है, तो ये है एमाइलेज। ठीक है, कौन सा है ये? एमाइलेज। तो एमाइलेज एंजाइम जो है वो सभी में मौजूद होता है। ये भी सब एंजाइम्स का नाम है। इंसुलिन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है। इंसुलिन जो है वो हमारे कह सकते हैं कि बहुत ही एक तरीके से ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करने के लिए काम में आती है। इंसुलिन का प्रयोग जो है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान बढ़ता है या वायुमंडलीय दाब बढ़ता है या तापमान स्थिर रहता है, वायु दाब घटता है, क्या होता है, ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। तो क्वथनांक की बात करी जा रही है भैया, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ध्यान रखें यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है, तो इसमें तापमान जो है यहाँ पर नियत रहता है, स्थिर रहता है। देखिए मैं इसको समझाना चाहता हूँ कैसे होगा। जैसे मान लेते हैं कि वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आप पानी जो है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे तो यहाँ तो तापमान बढ़ेगा, लेकिन 100 डिग्री के बाद वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? तापमान स्थिर हो गया। यही पर पूछा जाए कि तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, तरल मतलब लिक्विड पदार्थ का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है? वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है? कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बनता है वो क्या कहलाता है? देखिए वातावरण को यहाँ पर वायुमंडल कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, वायुमंडल मान लीजिए आप इसको लिखा हुआ है, वायुमंडल का वह आपको इस तरह बताना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के धनात्मक आयन के कुछ अंश के मिश्रण बनते हैं। तो 5 लेयर्स होती हैं हमारे वायुमंडल में, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर होती है इसको समताप मंडल, पहले जो होती है क्षोभ मंडल होती है इसको समताप मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, और स्ट्रेटोस्फियर के बाद ये होती है मेसोस्फियर, और मेसोस्फियर के बाद ये जो थर्ड लेयर होती है, फोर्थ लेयर होती है, इसको बोलते हैं हम लोग आयनोस्फियर। देखिए आयनोस्फियर नाम से ही पता चल रहा है आयन मंडल, तो आयन तो धनात्मक आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो भी होंगे तो आयन मंडल में ही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयनोस्फियर यानी कि आयन मंडल। और सबसे बाहर वाली जो परत होती है इसको बोलते हैं एक्सोस्फियर यानी कि बहिर्मंडल। ठीक है, तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और आयनोस्फियर, ये चार जो है सबसे पहले अगर देखा जाए इनकी लेयर पृथ्वी की सतह से देखी जाए, सबसे पहले हमको मिलेगी ट्रोपोस्फियर, फिर मिलेगी स्ट्रेटोस्फियर, फिर मिलेगी मेसोस्फियर मध्यमंडल, और फिर मिलेगी आयनोस्फियर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आयनोस्फियर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आयनोस्फियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध को नापने के लिए इकाई है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो यहाँ पर इकाई है वो पूछी जा रही है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की इकाई पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा कि विद्युत प्रतिरोध को नापने की इकाई ओम है बेटा, ओम। विद्युत प्रतिरोध को किससे नापते हैं? ओम से नापते हैं। विद्युत प्रतिरोध होता क्या है? एक तरीके से अगर देखा जाए तो कोई भी जो इलेक्ट्रिक मतलब कोई भी ऐसी चीज जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध कर दे, विद्युत धारा के प्रवाह का क्या कर दे? विरोध कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध का मतलब विरोध करना, किसी चीज का रेजिस्टेंस करना, ठीक है, रोकना। तो इसका जो कह सकते हैं कि जो मात्रक है, इकाई है, उसका इकाई जो है वो ओम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विद्युत विभव के बारे में आप जानते होंगे। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं। विद्युत विभव इसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है।
जूल प्रति कूलम को हम लोग वोल्ट कहते हैं, तो यहाँ पर वोल्ट लिखा है, विद्युत विभव का मात्रक है। इसके अलावा यहाँ पर एम्पियर के बारे में लिखा हुआ है, तो एम्पियर जो है ये एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है, और जूल जो होता है ये कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, इस प्रकार से सारे मात्रक भी आपको यहाँ पर पता चल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जनता के विषय को ध्यान में रखते हुए, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष प्रस्ताव के लिए बात यहाँ पर करी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो स्थगन प्रस्ताव है। ऐसा होता है कि सदन में चर्चा होती है, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर आपको लोकहित के कोई मुद्दे जो है डिस्कस करने हैं, तो आप प्रश्नकाल के बाद में एक विशेष सदन बुला सकते हैं। अगर जो सदन का जो प्रमुख है, मुखिया जो है, अगर इसकी परमिशन देता है, तो सारे मुद्दे छोड़ करके बाकी सारे प्रस्तावों पर चर्चा तुरंत स्थगित कर दी जाती है, रोक दी जाती है, और उस पर्टिकुलर मुद्दे पर चर्चा करनी शुरू कर जाती है। इसीलिए इसको स्थगन प्रस्ताव कहते हैं, क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बाकी सारे प्रस्ताव क्या कर दिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वही लिखा हुआ ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव जो होता है उसको स्थगन प्रस्ताव कहते हैं, उसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नहीं कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो नाम से कन्फ्यूजन हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का काम ही है कि जो मुद्रा में स्थिरता के लाई जाए, स्टेबिलिटी लाई जाए, और जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है यानी जीडीपी ग्रोथ जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, वो यहाँ पर इसके लिए पॉलिसी बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी, ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एलनबरो और लॉर्ड मेयो। तो यहाँ पर इसका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो जो है इनकी हत्या करी गई थी। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अंडमान की जेल में एक शेर अली अफरीदी के नाम से एक कैदी कैद थे, उन्होंने ही हत्या करी थी, क्या नाम है, लॉर्ड मेयो की। और लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो 1872 में हुई थी, 1872 में। ठीक है, ओके, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख कौन सा नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना है कौन सा नहीं है, यानी तीन जो है वित्तीय नीति के प्रमुख उद्देश्य होंगे। वित्तीय नीति का मतलब होता है फाइनेंशियल पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी भी कह सकते हैं इसको आप, वित्तीय नीति, ठीक है, पैसे संबंधित, अर्थव्यवस्था में तरलता लाना। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है, तो अर्थव्यवस्था में तरलता लाने के लिए भैया होती है ये, अभी आपने ऊपर जो थोड़ी पढ़ी थी इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी लाने के लिए पॉलिसी जो बनाई जाती है वो तो पॉलिसी होती है आपकी, मैंने बताया कि ये आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। ठीक, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो यही है, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर जो है वो यही है। ये तो पहले ही पता चल जा रहा है कि आर्थिक तरलता जो है वो वित्तीय नीति के अंतर्गत नहीं आती है। तो वित्तीय नीति के अंतर्गत नहीं आती है तो फिर किसके अंतर्गत आती है, ये आती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी ना मौद्रिक नीति की, तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है, यानी कि ये एक तरीके से देखा जाए तो आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। मुख्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, ये भी आमदनी की संपत्ति को, आमदनी और संपत्ति को असमानता कम करना, ये भी इसकी नीति है, और रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इसकी स्थापना जो है 1875 में हुई थी। कब हुई थी, 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और थियोसोफिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, ये कई सारे लोगों ने मिलकर के न्यूयॉर्क सिटी में इसको एस्टैब्लिश किया था अमेरिका में। कौन कौन लोगों ने मिलकर के एस्टैब्लिश किया था, एक तो मैडम ब्लॉत्स्की थी, तो मैडम ब्लॉत्स्की का नाम यहाँ पर आया, तो ये तो करेक्ट आंसर है। परंतु इसके अलावा हो सकता है ऑप्शन में कभी कभी कर्नल अलकॉट भी लिख करके आएगा, कर्नल अलकॉट, ठीक है, तो कर्नल अलकॉट और विलियम क्वेन,
ये तीन लोगों ने मिलकर के मैडम लॉर्ड्स की, कर्नल अलकॉट और विलियम क्वेन, इन तीनों ने मिलकर के थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में अमेरिका में करी थी। ठीक है, चलिए आगे जो है, आगे है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, भारत के पहले फील्ड मार्शल, तो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे भाई SHFJ मौलिक शाह, इनको शॉर्ट में आप मौलिक शाह के नाम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फील्ड मार्शल जो है वो एक तरीके से मौलिक शाह जो है वो पहले बने थे। यहाँ पे यही पूछा गया पहले फील्ड मार्शल कौन थे। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ तो उसमें बहुत ही अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी, और 1973 में उनको ये कह सकते हैं कि 1973 में उनको ये सम्मान दिया गया था। और मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है KM करियप्पा, तो KM करियप्पा जो थे ये दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनको मानेक शाह के बाद इन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया था। तो पहले मानेक शाह है और दूसरे जो है वो जनरल करियप्पा है, तो ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति, बल्कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। ये स्टेटमेंट है एक विशेष प्रकार से जो कि किसके द्वारा दिया गया है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, कथन किसने किया है, ये कथन भैया किया है महात्मा गांधी जी ने। तो अक्सर लोग जो है क्या करते हैं, प्रकृति को अपना समझ लेते हैं, अपनी संपत्ति समझ लेते हैं, तो प्रकृति सभी के लिए समान है, सभी को बराबर रूप से जो है उस पर अधिकार है, पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य को अपना अधिकार है, इसलिए कोई उसको अपनी संपत्ति नहीं मान सकता है, सभी का इस पर बराबर अधिकार होता है, ऐसा गांधी का कहना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है। तो स्वास्थ्य को संकट में डालने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पर वैसे तो सभी जो है वो है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया संकट में सबसे गंभीर प्रदूषक, सबसे ज्यादा गंभीर प्रदूषक जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, ये भी सब स्वास्थ्य पे संकट डालते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि दूषित करने वाला होता है। ठीक है, आपको मिदल होने लगती है, स्किन जो है वो सूखी सूखी हो जाती है, ठीक है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है, फेफड़े से संबंधित रोग हो जाते हैं, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, तो ये सब चीजें जो है SO2 के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है कि गहरे समुद्र के गोताखोरों को ऑक्सीजन हीलियम में ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, क्यों मिलाई जाती है ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, नाइट्रोजन कम से कम जहरीली होती है, नाइट्रोजन से हल्की होती है, नाइट्रोजन से हल्की होना तो एक तथ्य सही हो सकता है, या ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। देखिए वैसे तो ऑप्शन ये भी सही है, और ऑप्शन सबसे परफेक्ट जो है वो ये सही है, सबसे बढ़िया जो व्याख्या कर रहा है वो ये कर रहा है, गहरे समुद्र में गोताखोरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति हीलियम आपूर्ति के साथ हीलियम भी मिलाई जाती है, तो इसका कारण है कि उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है, क्या नाम है आपका, हीलियम। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो जो है थोड़े से कह सकते हैं कि रक्त में थोड़े से बुलबुले दे सकती है, नाइट्रोजन के बुलबुले बन सकते हैं ब्लड के अंदर, इससे जो है प्रेशर में तकलीफ आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है पेरिलीन, एथिलीन एंड ग्लिकोल किस प्रकार के अम्ल का संघनन बहुलक है। तो ये जो है आपका, ये तीनों संघनन बहुलक जो है ये आपके टेरिप्लेथिक एसिड के हैं। ठीक है, किसके हैं, टेरिप्लेथिक एसिड के। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो भारतीय महासागर में सबसे छोटा जो आपको बता द्वीप मिलेगा वो मालद्वीप है। ठीक है, सबसे छोटा द्वीप जो है वो कौन सा है भारतीय उसमें क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मालद्वीप सबसे छोटा है। जनसंख्या भी यहाँ पे बहुत सारी कम, बहुत कम है, बहुत ही कम, एशिया का सबसे छोटा, बल्कि ये कह सकते हैं भारत का क्या, एशिया का सबसे छोटा द्वीप है मालद्वीप। ठीक है, एशिया का सबसे छोटा द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संसद की लोकलेखा समिति को सबसे पहले तो मैं बता दूं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC के नाम से जाना जाता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम से जाता है। इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और PAC जो होती है वो CAG अपनी रिपोर्ट जो है वो सदन में प्रस्तुत जब होती करता है, तो CAG की रिपोर्ट के बाद ये लोकसभा जो है PAC का गठन करती है, लोकलेखा समिति का गठन करती है। और मैं अब आपको बता दूं कि लोकलेखा समिति का गठन करने में एक विशेष बात यह है कि जो ये अध्यक्ष बनता है, इसका जो अध्यक्ष होता है ये नेता प्रतिपक्ष होता है, यानी कि विपक्ष के दल के किसी व्यक्ति को बनाया जाता है।
22 होती है, पीएससी के अधिकतम सदस्यों की संख्या 22 हो सकती है, जिसमें से अगर देखा जाए तो इसमें 22 हो सकती है, 22 में से अगर देखा जाए तो लोकसभा के 15 सदस्य होंगे, लोकसभा के 22 में से कितने सदस्य होंगे, 15 सदस्य होंगे लोकसभा से, और बचे कितने 7 सदस्य होते हैं, तो 7 सदस्य जो है आपके राज्यसभा से होते हैं, तो इसका बाइफरकेशन भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लेकिन इनसे कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है, दोस्तों इसमें से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है ये आपको बताना है। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है जिसका संविधान में उल्लेख किया गया हो, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है वो संवैधानिक संस्था नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें से कौन सी है, यूपीएससी है। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 315 में आपको मिलता है, तो आर्टिकल 315 में यूपीएससी है, तो इसका मतलब ये हो गया। कर्मचारी चयन आयोग इसको एसएससी बोलते हैं, एसएससी, इसका उल्लेख जो है यूपीएससी में नहीं है। चुनाव आयोग का भी उल्लेख क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, या अनुच्छेद भी लिख दे रहा हूँ, ये भी आप याद कर देंगे, और वित्त आयोग का भी वर्णन किया गया है 280 में। तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर 218 में इस तरीके से तीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक नहीं है। चलिए अगले तरफ चलते हैं, नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के चुनाव में लिखित में से कौन भाग लेते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसीजर के अंतर्गत आता है, ठीक है, एक तो बात ये है, और इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करने हैं ये आपको बताना है। तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि निर्वाचित सदस्य होंगे नॉमिनेटेड सदस्य, जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है, तो राज्यसभा से 12 सदस्य और लोकसभा से 2 सदस्य जो है ये नॉमिनेटेड होते हैं, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और हर एक राज्य विधानसभा में अधिकतम एक सदस्य जो है वो नाम निर्दिष्ट होता है, तो इसको भी पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, इसके अलावा जितने भी सदस्य हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राज्यों की विधान परिषद भाग नहीं लेती है, ये भी आपको विधान परिषद भाग नहीं लेती है, आपको ध्यान रखना है, विधानसभा भाग लेती है। अगला क्वेश्चन है वातावरण के प्रदूषकों की सांद्रता को मापा जाता है। प्रदूषकों की सांद्रता को नापने के लिए भैया बहुत ही आजकल आप लोग जो है देखते होंगे चौराहों पर जो है इस तरीके के बोर्ड भी लगे होते हैं, ये नापा जाता है पार्ट पर मिलियन से, इसको शॉर्ट में पार्ट पर मिलियन PPM के नाम से भी इसको नापा जाता है, भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा 2। लाल रंग की रोशनी में हरे रंग के पत्ते वाले पौधे दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देंगे, काले। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लाल में हरा मिला देंगे तो काला दिखाई देगा। तटीय मैदानों और उत्तर भारतीय मैदानों में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार है। तटीय मैदान जो होते हैं, तटीय मैदान का मतलब होता है तट के किनारे, ठीक है, कोस्टल एरिया जिसको बोलते हैं, और उत्तर भारतीय मैदान जो होते हैं जैसे कि गंगा नदी का किनारा है, यमुना का किनारा है, ब्रह्मपुत्र का किनारा है, ये उत्तर भारतीय मैदान है, इनमें उत्कृष्ट मिट्टी पाई जाती है, बहुत ही अच्छी मिट्टी पाई जाती है, तो उसका नाम क्या है, तो वो है लेटराइट मिट्टी, सॉरी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल होती है, एलुवियल जो जल के द्वारा लुढ़का करके लाई जाती है, तो यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से पानी के द्वारा लुढ़का के मिट्टी लाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया, प्रति व्यक्ति आय नापने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय नापने के लिए जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है वो होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब पूरे राष्ट्र की आय, राष्ट्रीय आय और पूरे देश की जनसंख्या, मतलब पूरे देश की जितनी भी इनकम है। मान लेते हैं देश में हम और आप दो लोग रहते हैं, एक हम है और एक आप है, तो मेरी जो इनकम है और आपकी जो इनकम है ये हो गई पूरे राष्ट्र की इनकम, और कितने लोगों के हम लोग, दो लोग, तो दोनों लोगों की इनकम मिला करके उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगी हमारे पूरे कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय, आपकी कितनी है और मेरी कितनी है, ये ऑन एन एवरेज प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। तो बस इसी प्रकार से कुल राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। भारत में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई थी। यानी कि इसका क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कब हराया। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था वॉन्डी वॉश के युद्ध में, ठीक है, इसमें हराया था वॉन्डी वॉश के युद्ध में। वॉन्डी वॉश का युद्ध जो है वो 1760 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था, और उस समय अंग्रेजी सेना जो है वो सर आयरकूट के नेतृत्व में युद्ध कर रही थी। हालांकि इसके बाद भी व्यापार कर सकते थे फ्रांसीसी, लेकिन उन पर प्रशासनिक जो है अधिकार नहीं रह गया था उनका उस पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन पूछा गया है, पीवीसी किसके बहुलक के कारण गठित होता है। पीवीसी, सबसे पहले तो पीवीसी का फुल फॉर्म है, यहाँ पे पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, ठीक है, तो इसका बहुलक जो है वो विनाइल क्लोराइड होता है। इसका जो बहुलक होता है वो कौन होता है, विनाइल क्लोराइड मोनोमर। इसको हम लोग
VCM भी कहते हैं, VCM, ठीक है, विनायल क्लोराइड मोनोमर, ठीक, इसके कारण होता है। 29, भाषा के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर जो राज्य सबसे पहले गठित हुआ था भैया, वो राज्य गठित हुआ था 1953 में, पहली बात तो ये, तो वहां के वहां पर जो है इसका जो आंसर है इसका आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक कह सकते हैं कि सोशलिस्ट वर्कर थे पोट्टी श्रीरामल्लु, पोट्टी श्रीरामल्लु जो है उनकी उनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने काफी लंबे समय तक भूख हड़ताल किया था, भाषाई आधार पर वो राज्य को गठित करना चाहते थे, और 1953 में ही फिर भाषाई आधार पर पहला राज्य जो गठित किया गया था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन अभिक्रिया के बारे में पूछा गया, रिडक्शन अभिक्रिया जो है उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, साइंस के जब हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे होंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लिखा है सिनेगॉग लिखने से किसका पूजा स्थल है, सिनेगॉग, सिनेगॉग पूजा स्थल होता है भैया यहूदियों का, सिनेगॉग पूजा स्थल किसका होता है, यहूदियों का पूजा स्थल होता है, और इसमें जो है इसके तीन हिस्से होते हैं करके देखा जाए तो, एक को बोला जाता है बेटहा टेफेल्ला, बेटहा टेफेल्ला इसका एक पार्ट होता है, बेटहा टेफेल्ला में इसको हम लोग प्रार्थना घर कह सकते हैं, प्रेयर हॉल होता है ये। दूसरा होता है बेटहा नेसेट, बेटहा नेसेट जो होता है ये एक तरीके से असेंबली हॉल होता है, और एक होता है बेटहा मैट्रिश, ये एक अध्ययन का घर होता है, पढ़ाई लिखाई का घर होता है, धार्मिक ग्रंथ जो है उसको पढ़ने का काम होता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत सुमेलित है, तो विटामिन सी से स्कर्वी होता है, बिल्कुल सही बात है, विटामिन के से रक्तस्राव जो है वो होता है, विटामिन ए से रतौंधी हो जाती है, और विटामिन ई से रिकेट नहीं होता है, रिकेट जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन डी होना चाहिएगा। आगे पूछा गया है छत्तीसगढ़ और लौह, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में लौह इस्पात संयंत्र जो है वो आयरन स्टील प्लांट जो है वो भिलाई में है, और ये सेकंड फाइव ईयर प्लान के दौरान जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, सेकंड फाइव ईयर प्लान जो था 1956 से 1961 तक चला था, और इसमें मुख्य बात ये थी, मुख्य बात ये थी कि इसमें भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना था, तो उसी के अंतर्गत तीन लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, लिखा हुआ है बीएससी सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित होती है, तो बीएससी सेंसेक्स जो है ये 30 कंपनियों के स्टॉक पर आधारित होती है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है, ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, तो इस पर ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है, 360 पे वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं, उनमें से वित्तीय आपातकाल ये। रिफ्ट घाटी भारत में कौन सी नदी बहती है, रिफ्ट घाटी में बहने वाली इसमें से जो नदी है वो है ताप्ती, ठीक है, रिफ्ट मतलब दो पहाड़ियों के बीच में से होकर के जो नदी गुजर रही है उसको हम लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं, तो आप यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो करेक्ट है वो ताप्ती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों वेस्टवर्ड रिवर्स हैं, ये भी एक बात है, तो ताप्ती यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ताप्ती। टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, ये सरल निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन और जो है वो कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, कृत्रिम तो है ही है, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है, बिल्कुल सही बात है, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये हमेशा सक्रिय रहती है, और जब तक वैक्सीनेशन रहता है तब तक जो है बॉडी में किसी प्रकार के रोग इस प्रकार के उसके नहीं हो सकते हैं जिसके लिए ये दिया गया है, ठीक है, एक प्रकार की एंटीबॉडी होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित है इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है, ठीक है, बाकी कथकली वगैरह जो है ये सब केरल के हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को सदस्यों की निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तो कह सकते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनो सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, इसमें कुल तो होते हैं 15 सदस्य, इसमें से 5 होते हैं स्थायी, 5 क्या होते हैं स्थायी होते हैं, और 10 होते हैं अस्थायी, तो जो अस्थायी हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है, तो अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है वो कार्यकाल जो होता है वो होता है 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए होता है भैया, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे, तो खिलजी वंश से पहले देखिए क्रम मैं बता दे रहा हूँ, आप खुद ही बता देंगे इसका आंसर क्या है, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, तो यहाँ पे अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो कौन से 2 राजवंश खिलजी वंश से पहले थे, खिलजी वंश से पहले तो एक ही था गुलाम वंश, और गुलाम वंश ऑप्शन इसमें है और किसी में है नहीं, अच्छा इसका
क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था, निम्नलिखित में से कौन से दो राजवंश या ऐसे क्वेश्चन मिलेगा खिलजी वंश जो है वो किन दो राजवंशों के बीच में है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये हो जाए खिलजी वंश किन दो राजवंशों के बीच में है, तो यहाँ पर काम बन जाएगा। किस प्रकार से काम बन जाएगा कि खिलजी से पहले जो है वो गुलाम वंश है और खिलजी के बाद तुगलक वंश है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, बाकी सारी चीजें सही है। सो ये हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन की बुक का जो है वो ये पार्ट हमने सॉल्व कराया आपको। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई समझ में आई होगी। और इस तरीके से डेली डेली हम लोग एक एक प्रैक्टिस सेट जो है वो लगाते चलेंगे, डेली डेली हमारा जो है सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि ये सेशन समझ में आ रहा होगा। कैसा लग रहा है आपको ये सेशन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप उस क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं, और कोई आपको एक्स्ट्रा जानकारी किसी क्वेश्चन की तो आप बेशक उसको जो है वो शेयर कर सकते हैं। सो आई होप आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू एंड गुड बाय।